बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमर इकबाल। और मैं हूँ मोमिना सईद। तो आज हम क्या बना रहे हैं? चार गोश्त। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला क्या स्टेप है हमारा? सबसे पहले तो हम मैरिनेशन करेंगे। अच्छा, चिकन हमारा कितना है? हाफ केजी। अच्छा ठीक है, अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ये एक चम्मच दही लेनी है। ठीक है, ऐसे उसके अंदर एक चम्मच अचार गोश्त मसाला डाल देना, मिक्स करना अच्छी तरह। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम मिर्चें काटेंगे। तो ये मिर्चें हम क्यों काट रहे हैं? इसके अंदर ये जो मसाला बनाया है इसको फिल करेंगे मिर्चों को। ठीक है, तो इस तरह करके ये फिल कर देनी है सारी हमारी जो ग्रीन चिलीज हैं। मिर्चों को मैरिनेटेड मसाले से फिल कर लिया गया है। तो अब ये जो अचार गोश्त मसाला है ये हम दही में डालेंगे और इसको एक दफा अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, ऐसे ही है ना? और कुछ डालेगा इसमें? नहीं, बस अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। तो वो किस टाइम डालना है? ये मिक्स हो जाए उसके बाद। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने मैरिनेशन तैयार की है इसमें हम चिकन डालेंगे। और इन्हें कितनी देर के लिए हमने रखना है? कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन अब इसे हम 2 घंटे के लिए रखेंगे, ऐसे ही है? हाँ, 2 या 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसे 2 घंटे के लिए रखते हैं, ठीक है, और 2 घंटे के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 घंटे गुजर चुके हैं, अब हम कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल शामिल करना है। तो ऑयल शामिल करने के बाद हम इसमें एक टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके वो भी इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, ठीक है? ओके, और अब हम इसमें शामिल करेंगे ग्रीन चिलीज। ठीक हो गया, तो इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना चिकन जो ऑलरेडी मैरिनेटेड है तकरीबन 2 घंटे के लिए, 3 घंटे भी आप इसे रख सकते हैं। और यहाँ पे हम इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। तकरीबन 1 मिनट के लिए चम्मच आपने चलाते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों जब ये एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा हम इसे कवर करके 1/2 घंटे के लिए पकाएंगे। तो दोस्तों इस 1/2 घंटे के दौरान आपने इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 1/2 घंटा गुजर चुका है, कवर इसका हम हटा चुके हैं और माशाल्लाह से ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट आई एम सेइंग। ऐसी ज़बरदस्त और ख़तरनाक खुशबुएं शायद ही किसी रेसिपी से आपको आई हूँ। तो दोस्तों यहाँ अब हम इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट और पकाएंगे मज़ीद, और अब एंड में इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो दोस्तों चिकन यहाँ हमारा हो चुका है तैयार। तो जब तक हम इसे खाते हैं तब तक आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।